रिएक्शन में आज सेल्फिश बाय परमिता रियांग। ये परमिता रियांग ने कवर वीडियो बनाया है सेल्फिश सॉन्ग पे सलमान खान की मूवी रेस 3 से। मैं आपका दोस्त संजय नमस्कार है स्वीकार करे आनी मुंग संजय थे इंडियन रिएक्शनों नोरोग ज्योतोनो लामसोगो। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी है तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। इसका सजेशन हमारे फ्रेंड है त्रिपुरा से, उनकी तरफ से आया था भाई। बहुत दिनों से बोल रहे थे कि इस सॉन्ग पे आप रिएक्शन दे, तो आज हम इस सॉन्ग पे रिएक्शन दे रहे हैं। इनके चैनल का और इनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। भाई मेरे को सलून वाले ने बहुत ही एकदम गंजा कर दिया है। वाह है सोनिया, थोड़ी स्माइल है। ये गिटार की आवाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बात है ब्रो, जबरदस्त। क्या आवाज है। अपने ख्यालात को शेयर करूंगा, अपने लिए जीना। एक बार क्या म्यूजिक भी बनाया इन लोगों ने इस सॉन्ग का। तेरी याद आए कमाल। तो फ्रेंड्स ये था सॉन्ग
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं वैसे भी परमिता का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी आवाज़ का, उनके एक्टिंग का। आज साथ में उन्होंने इतने सारे काम एक साथ किए वो देख के मुझे बहुत मज़ा आया। आप बोलेंगे इतने सारे काम हो कैसे, तो मैं वीडियो में आगे वो भी बताऊंगा। पहले बात करूंगा म्यूज़िक की। इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक बनाया इस सॉन्ग के लिए, सैल्यूट है गिटारिस्ट जो दूसरे हमारे भाई साहब थे, वो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट था उसके साथ भी थे। एक गर्ल थी जो पीछे, आई थिंक वो भी म्यूज़िक ही कोई इंस्ट्रूमेंट था उनके पास, वो नहीं दिखाई दे रहा था, बस उनका फेस दिखाई दे रहा था, पर वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। मैम यहाँ पे बात करो गिटारिस्ट की, तो क्या ज़बरदस्त गिटार उन्होंने प्ले किया, इतना ज़बरदस्त लग रहा था। और कानों में हेडफोन में जब वो आवाज़ आ रही थी गिटार की हेडफोन में, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। बात करो परमिता मैम की, उनके बारे में बहुत बार तारीफ़ करता हूँ मैं, हमेशा तारीफ़ करता हूँ, पर आज उन्होंने जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे काम एक साथ किए, वो फर्स्ट है। उन्होंने जैसे कॉस्ट्यूम पहने थे इस सॉन्ग में, सॉन्ग बॉलीवुड का है पर उन्होंने कवर वीडियो बनाया विथ त्रिपुरा के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहन के, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया, क्योंकि इस सॉन्ग को ना सिर्फ त्रिपुरा में बाहर भी लोग बहुत देखते हैं, तो उन्होंने अपने कल्चर का टच देने की जो कोशिश की, अपने कल्चर को शो करने की कोशिश की, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बात करूँ उनके एक्टिंग की, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक्टिंग कहाँ है। इस सॉन्ग में जितने ब्यूटीफुल उन्होंने एक्टिंग भी की है, उनके एक्सप्रेशंस देखेंगे आप, फेस के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से उन्होंने जब वो गाना गा रही थी खुद इंजॉय कर रही थी और साथ में उनके फेस के एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे कि उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी उनको देखना। वो इतनी खुद ब्यूटीफुल है, इतनी क्यूट है, और जब ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मैं तो जितने हीरोइंस है बाकी त्रिपुरा में जो हमेशा उनकी तारीफ़ करता हूँ, आज वो भी फीके लग रहे थे। वैसे परमिता मैम बहुत बढ़िया एक्टर भी है, उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स में एक्टिंग भी की है, पर आज उनकी एक्टिंग और उन्होंने सॉन्ग तो इतना ज़बरदस्त गाया, उसकी तारीफ़ क्या करूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी मीठी है, हनी से भी ज़्यादा स्वीट, और उन्होंने जब सुर लगाए वो ऊपर नीचे सुर हो जाते हैं, जब वो सेल्फीज की लाइन आती है वहाँ पे इतना ज़बरदस्त लगता है। वो जब गा रही थी तो उनसे सच में नज़र नहीं हट रही थी, और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था उनके आवाज़ और उनके एक्सप्रेशंस देख के, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये सॉन्ग उन्होंने अपने तरीके से गाने की कोशिश की, इसलिए बहुत ज़्यादा खास लगता है। उन्होंने जब पूरी तरीके से वो है जैसा सॉन्ग वो उठाने की कोशिश करते तो शायद उतना मज़ा नहीं आता, जैसे अपने तरीके से इन्होंने गाया इस सॉन्ग को, वो बहुत ही खास बनाता है। परमिता मैम के ऊपर मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। आप लोगों ने जितने मेरे लिए बेस्ट विशेस दिए आप लोगों के, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सबका। और आप, मैं बहुत ज़्यादा फिट फील कर रहा हूँ और एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिए, तो अब बहुत फिट भी लग रहा हूँ और ड्यूटी भी कंटिन्यू स्टार्ट कर दी है, और वीडियो भी बनाना तभी भी बंद नहीं था और आज भी बंद नहीं है, चाहे तबीयत कैसे भी रहे, बस मैं ऐसा यहाँ पे बैठ सकूँ कैमरे के सामने तब मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, बस बैठने की हालत में ना रहूँ तो बनाना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स जो तो नो हम भाई आनी वीडियो नहीं मोनी बगवी, मुझे बहुत पसंद आया है ये सॉन्ग, परमिता मैम की आवाज़। आपको कैसी लगी आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, कोरोना से अपने आप को बचाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मेंटेन भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।